की तैयारी कर रहे 10-30% कपल्स को ये साइलेंट इन्फेक्शन परेशान करता है। अगर किसी पुरुष के सीमन में ये साइलेंट इन्फेक्शन होता है तो गर्भ भले ही रुक जाए लेकिन मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब सहेली चैनल में। और काफी दिनों से इस विषय पर हमारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि उन्हें जानकारी दी जाए, तो आज मैं इसी साइलेंट इन्फेक्शन पे आपको ढेर सारी बातें बताऊंगी जिससे आपके सारे कंफ्यूजन सारी उलझने खत्म हो जाए और आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कर पाए और बहुत आसानी से आपकी कॉन्सेप्शन जर्नी पूरी हो सके। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं HPV इन्फेक्शन की, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या इससे फर्टिलिटी प्रभावित होती है? बड़े तौर पे तो नहीं होती, लेकिन कई बार होती है। 10-30% कपल को इस इन्फेक्शन के रहते हुए गर्भधारण में समस्या होती है। अगर पुरुषों में ये इन्फेक्शन है या महिलाओं में ये इन्फेक्शन है तो क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से पता चलता है, क्योंकि इसको कहा ही है मैंने साइलेंट इन्फेक्शन, इसके बहुत ज्यादा कोई सिम्टम आपको मालूम नहीं पड़ते और सिम्टम है भी ऐसे कॉमन जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते दूसरी चीजों से। तो आइए गहराई से बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी जरूर फॉलो कर लें और साथ ही यूट्यूब सहेली को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, वहां पे भी आप सभी के साथ अच्छे अच्छे अपडेट्स शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम HPV इन्फेक्शन के लक्षणों की बात करें तो जनरली आपको ये फर्टिलिटी के लिए, अगर किसी को इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग इश्यूज हैं वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है। लेकिन लक्षण, अगर कुछ ऐसी ऑडियंस है वो जानना चाहती है कि लक्षण कैसे होंगे कि ये इन्फेक्शन है, लक्षण से बताइए, तो लक्षण जनरली घाव के तौर पर आपको मुंह में भी हो सकता है, आपके निचले अंगों में भी हो सकता है, सर्विक्स के आसपास भी हो सकता है, स्किन की टॉप लेयर में ये इन्फेक्शन होता है। और इसके अलावा अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज, अनयूजुअल वजाइनल ब्लीडिंग होना, कॉन्टैक्ट के बाद पेन होना, कॉन्टैक्ट के बाद ब्लीडिंग होना, वजाइना के अंदर लंपी फील आना, कुछ लंप जैसा महसूस होना, या फिर बहुत ज्यादा पेनफुल इंटरकोर्स होना, ये कुछ लक्षण इसको बताते हैं। ये पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और हाइजीन और प्रोटेक्शन से इससे बचा जा सकता है, लेकिन इसके वैक्सीन भी हैं जिसको कि आपको लगवा लेनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि इस पे रिसर्चेस क्या हुए, क्योंकि जो भी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। 2011 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में जो लेटेस्ट स्टडीज हैं उनसे मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो कि आज आपको बता रही हूँ। 2011 की स्टडी में हुआ था कि अगर सीमन में HPV इन्फेक्शन है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे गर्भ ठहरने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन गर्भ अगर ठहरता भी, ऐसा नहीं कि उससे गर्भ नहीं ठहर सकता, गर्भ ठहर सकता है, तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आपके साथ जो ये अनहोनी हुई है, जो ये मिसकैरेज हुआ है, वो क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है। वीडियो के लास्ट में हम इसके एक सिंगल सॉल्यूशन को समझेंगे जिससे कि ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है और जो नेचुरल है। 2014 और 15 में भी कई सारे लोगों पर स्टडी की गई, देखा गया कि अगर HPV इन्फेक्शन होता है तो उससे मेल या कपल इनफर्टिलिटी रहती है, और अगर HPV इन्फेक्शन सीमन में एग्जिस्ट करता है तो नेगेटिवली वो अफेक्ट करता है स्पर्म मोर्टिलिटी को। इस तरीके से डेफिनेटली फर्टिलिटी प्रभावित होगी, क्योंकि या फिर पुरुष में या महिला में किसी में भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो वो आपके गर्भधारण की क्षमता को तो प्रभावित करती ही है। काफी बातें हो गई कि इन्फेक्शन क्या है, कैसे है, लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है और उससे क्या समस्याएं आती हैं, और बड़ा साइलेंट होता है तो उसको पकड़ना भी बहुत आसान नहीं होता। लेकिन आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम है तब क्या करें, मूल बात तो ये है आज के वीडियो की, अब करें क्या। तो फ्रेंड्स, मेडिकल साइंस में HPV से बचाव के लिए वैक्सीन है, आप वो ले सकते हैं कि इन्फेक्शन से आप बचे रहें। लेकिन जो HPV के सिम्टम्स होते हैं उसको ठीक करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं, HPV का कोई फोकस्ड ट्रीटमेंट नहीं है। तब हम बात करेंगे अब ट्रेडिशनल नॉलेज की। ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मल्टीपल पार्टनर्स होने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है, पुरुषों में भी होती है, महिलाओं में भी होती है। लेकिन अब इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार के लिए आपको अपने घर के मसालों के पास जाना पड़ेगा, उपचार उन्हीं में छुपा है। अजवाइन, अजवाइन बहुत अच्छा एंटी माइक्रोबियल है,
लेकिन अजवाइन से ये ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है इस डिजीज का? कोयला या चारकोल आपको लेना है, उसको तपा लेना है, अंगारे बना लेने हैं रेड, ताकि उस पर कुछ अगर डालें तो वो जले, धुआं नहीं होना चाहिए, स्मोक हट जाए उसका। उसके बाद आपको एक या दो चम्मच अजवाइन लेनी है और एक ऐसी चेयर पे बैठना है, चाहे वो बीच में से खाली, ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या फिर आप अपने कमोड में भी एक कुछ भी मेटल का प्लेट फिक्स करके कमोड पे बैठ सकते हैं। आपको अंडरगार्मेंट्स पहने रहना है और अजवाइन की धुनी लेनी, उस चारकोल पे अजवाइन डालना है और अपनी बॉडी को टॉवल से या किसी कपड़े से कवर करना है ताकि वो स्मोक आपके लोअर बॉडी में लगे। अजवाइन धुनी आपकी बॉडी को हील करती है, सिम्टम्स दूर करती है और इन्फेक्शन को दूर करती है, लेकिन इम्यूनिटी का भी बहुत रोल है। आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी फूड है वो आपको लेने चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और अजवाइन धुनी आप हफ्ते में दो बार ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी अजवाइन धुनी लेने से आपको बॉडी में हीट फील होती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो हीट दे रहा है आपकी बॉडी को। तो बॉडी हीट ना हो, अगर आपको ज्यादा बॉडी हीट हो रही है तो आप गैप बढ़ा दीजिए, अजवाइन धुनी को थोड़े ज्यादा गैप से लीजिए। महीने में अगर चार बार आप लेते हैं तो काफी आपको आराम महसूस होगा और ये बहुत ही पुख्ता तरीका है इस प्रॉब्लम को ठीक करने का। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी समस्या का हल हो गया और हमारे जिन व्यूअर ने इस प्रॉब्लम के बारे में पूछा था, उम्मीद करती हूँ उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। आप सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें।